الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام صدر مجلس मेरे मोहतरम मुकर्रम हज़रत अकदस हज़रत मौलाना खलीफ़ा मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुहु हज़रत उलमाए किराम कुर्राए इज़ाम मेरे बुज़ुर्गों अज़ीज़ दोस्तों रास्ते में आते हुए सोचा तो कुछ और था जो आपकी खिदमत में अर्ज करना था लेकिन हजरत कारी साहब दामत बरकातहू की तिलावत ने कोई और रुख दे दिया। जो सोच कर आया था वो वहीं पर रह गया, जो यहीं पे सुना है तो बस वही आपके सामने अर्ज करता हूँ। अभी आपके सामने सूरत यासीन की आखिरी आयात की तिलावत की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जो पढ़ने का अंदाज दिया है, जो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिलावत में हलावत अता फरमाई है, हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन तो कह दें। हज़रत कारी साहब की उम्र में, इलम में, किरात में, आवाज़ में अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरकत नसीब फरमाए। इन्होंने जो आयात तिलावत की उनमें से एक आयत वो ये भी थी कि वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु, तो मेरा दिमाग कहीं और चला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में बैठे हुए हैं, बैतुल्लाह के साए में तशरीफ़ फरमा है, सर मुबारक झुका हुआ है, अपने परवरदिगार आलम से लौ लगाए बैठे हैं। कुफार मक्का की परेशानियों, तकलीफ़ों, अज़ियतों की वजह से परेशान भी नजर आते हैं। हर आए दिन और हर आने वाला लम्हा कोई ना कोई परेशानी लेकर आता है। इस दौरान कुफार मक्का में से एक काफिर आस बिन वाइल वहां करीब आता है, उसके हाथ में एक बोसीदा हड्डी का टुकड़ा है, बोसीदा टुकड़ा हड्डी का वो उसके हाथ में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर हड्डी को ऐसे पकड़ता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, वो चाय आपको नहीं मिलेगी, आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे ताकि बात समझ आए कुछ मैं कहने लगा हूँ। जो तिलावत सुनी है अब उसका मफहूम भी तो समझे ना कि क्या कहा उन्होंने, क्या पढ़ा उन्होंने। वो हड्डी का टुकड़ा लेकर
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है और यूं पकड़ता है, इस तरह पकड़ कर ऐसे मसल देता है। जब ऐसे मसला, वो सीधा हड्डी थी, वो फौरन जर्रात में बदल गई, पिस गई उसकी उंगलियों में वो हड्डी, और जब वो बिल्कुल पिस गई, बारीक हो गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहता है, ऐसे फूंक मार कर उड़ाता है, वो राख बनकर उड़ जाती है वो हड्डी, और फिर कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी होगी, आप जो कहते हैं कि मुहासबा अमल की घड़ी आने वाली है, आप जो कहते हैं सबको जिंदगी मिलेगी, रब के सामने पेशी होगी, वहां पर हाजिरी होगी, बताओ मुझे जो हड्डी ऐसी बोझीदा हो गई जिसे मैंने फूंक मार कर उड़ा दिया, मैं युहयिल अज़ाम वहिय रमीम, इस बोझीदा हड्डी को कौन जिंदा करेगा। अभी जो आयात पढ़ी गई उस पर अर्ज कर रहा हूं, इस हड्डी को, पोसीदा हड्डी को कौन जिंदा करेगा। अभी सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ही रहे थे, अभी आपने जवाब नहीं दिया था, जिब्रील आ गए। महबूब जवाब आप न देना, जवाब मैं रब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। जरा बराना मसाला वनसिया खलका, आज हमें मिसालें दिखाते हो, अपनी तखलीक को भूल गए, अपनी पैदाइश को भूल गए तुम, आज हड्डी को मसल कर राख उड़ाकर हमें मिसालें देते हो, हमें इसमें मिसाल के जरिए समझाते हो, भूल गए हो अपनी पैदाइश को, तुम्हें हमने कैसे पैदा किया। दुनिया के मुसव्वर आते हैं, दीवारों पर नक्श निगार बनाते हैं, दुनिया के मुसव्वर आए, कागजों पर नक्श निगार बनाए, तस्वीरें बनाई, कपड़े पर तस्वीरें बनाई गई, फरमाया आए कोई पानी पर नक्श और तस्वीर बनाकर दिखाए, हमने तो तुम्हारा नक्शा पानी पर बनाया था, हमने तो तुम्हारी सूरत को पानी पर बनाया था, जरा सोच तो ली अपनी तहलील पर, कहां तेरा वजूद बन रहा था, एक कतरा पानी पर जब हम नक्श निगार बना रहे थे, तेरी नाक बन रही थी, तेरे कान बन रहे थे, तेरा मुंह बन रहा था, तेरा सर बन रहा था, तेरा वजूद बन रहा था, और फिर अंधेरों के अंदर, मां के पेट के अंदर, जरा ये भी तो गौर करो, तुम्हारी हड्डियां वहां बनी थी, तवज्जो है ना, हड्डी की मिसाल दी थी ना। अल्लाह फरमाते हैं, दोबारा बनाना मसा व नसिया खलका, अपनी तकलीफ को भूल गया, माँ के पेट में जब तेरा वजूद बन रहा था, गोश्त के अंदर हड्डियों को जोड़ा गया, तेरे जिस्म को हड्डियों के ढांचे से तैयार किया गया, अब जरा ये बताओ कि माँ के पेट में हड्डियों का मटेरियल कहाँ से आया था, वहां पर हड्डियां कहाँ से आई थी, हड्डियां कौन सी किस जखीरे में वहां पर पड़ी थी, जब पानी के कतरे से हम हड्डी को बना सकते हैं, तो बनी हुई हड्डी को दोबारा हम पैदा क्यों नहीं कर सकते। और तुम्हारा वजूद बन रहा था, हड्डियां बन रही थी, वयुसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, और तुम्हारा वजूद ऐसा बना रहे थे जिस तरह हमने चाहा उस तरह नक्शे बना दिए, जिस तरह हमने चाहा उस तरह तुम्हारा नक्शा बना दिया। हाँ, और ऐसे नक्शे बनाए कि जब से इंसान ने जमीन पर कदम रखा है और नस्ल इंसानी का आगाज हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक जो इंसान दुनिया में आए हैं, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, एक की सूरत दूसरे से नहीं मिलती। फरमाया ऐसा नक्शा तुम्हारा बनाया, ऐसी सूरत तुम्हारी बनाई, जरा सोचो ना, वहां पर हड्डियां कहां से आई थी, पानी से हड्डियां किसने बनाई, जब तुम पैदा हुए तुम्हारे सर पर बाल थे ताकि तुम बदसूरत न लगो, अब बताओ कि मां के पेट में बालों की फैक्ट्री किसने लगाई, वहां पर बाल कहां से आए, तुम्हारे गोश्त पर हमने खाल चढ़ा दी, वो खाल का मटेरियल कहां से आया था, तुम्हारे जिस्म हाथ और पांव की उंगलियों को खूबसूरत बनाने के लिए हमने उन पर नाखून लगा दिए, बताओ वहां पर नाखूनों का मटेरियल कहां से आया था, ये सब कुछ कहां से आया, ये पानी से ही हमने बनाया सब कुछ, जब उस वक्त हम बना सकते हैं तो अब क्यों नहीं बना सकते। जरा बनाना मसाला हमें मिसालें देते हो, बनाती या हल्का, अपनी तखलीक को भूल गए, अपनी तखलीक याद नहीं, जरा उस पर तो गौर करो, तुम्हारा वजूद कैसे बना, कुछ नहीं था, कतरे पानी था, लेकिन जब दुनिया में आया तो धड़कता हुआ दिल और फलते फूलते और सुकड़ते हुए फेफड़े लेकर आया।
یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کس نے تمہیں بنایا ہے؟ اور پھر جب دنیا میں آ گئے تم ایسے پھر بھی نہیں چھوڑ دیا، پھر بھی نہیں چھوڑ دیا ایسے کہ آ گئے ہو مرضی جیسے کرو، جہاں چاہو اپنا رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو. نہیں، فرمایا میں تمہارے ساتھ رہا، تو جہاں بھی رہا میں تمہارے ساتھ رہا. ہم تو بھول جاتے ہیں نبی، ہم تو جب کوئی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے طور پر سارے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، ہر دروازہ بند، ہر کھڑکی بند، ہر روشن دان بند، موبائل فون آف کر دیتے ہیں کہیں آن نہ رہ جائے، ریکارڈنگ نہ ہو جائے، دیواروں پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا رہا، کوئی کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا ہمیں. اور سارا رب فرماتی ہے کہ سارے دروازے تو تم نے بند کر دیے، ہر روشن دان، ہر کھڑکی تم نے بند کر دی، لیکن وہ روشن دان کیسے بند کرو گے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں؟ تم جہاں بھی ہو، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم دو ہو تو تیسرا میں ہوں، تم تین ہو تو چوتھا میں ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قریب ہے ہمارے. یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ پروردگار عالم کو ان بندوں سے، یعنی ہم سے پیار کتنا ہے. فرمایا قرآن حکیم میں اذا سالک عبادی، میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھے عنی، میرے بارے میں، میرے بندے آپ سے پوچھے جب میرے بارے میں، فانی قریب، بتا دیجئے میں قریب ہوں. اب دیکھیں ذرا قرآن پاک کو سمجھا بھی کریں، اس لیے میں نے وہ حضرت قاری صاحب کی تلاوت سے ہی نقطہ لے لیا، اسی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کو ذرا ڈوب کر پڑھا کریں، درس قرآن تو یہاں بھی ہوگا ماشاءاللہ، شرکت کیا کریں، بیٹھا کریں اور سمجھا کریں. نیند پوری کرنے کے لیے نہیں، اکثر لوگ درس میں بیٹھتے ہیں لیکن اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، نیند پوری کرنے کے لیے نہیں، کچھ سوچنے اور کچھ سمجھنے کے لیے توجہ سے بیٹھا کر قرآن حکیم کے اندر. ایک ساتھی تلاوت کر رہا تھا، دوران تلاوت وہ سورۃ مریم پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس میں کتنے نکتے ہیں؟ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا بھائی تم نے آیت کیوں نہیں پڑھی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورۃ مریم میں، اور جب یہ مکمل ہوتا ہے نا، بات جب مکمل ہوتی ہے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ایسی ہے نا جی، مکمل ہوتی ہے. میں نے کہا جملہ مکمل ہو رہا ہے نا، میں نے کہا آیت نمبر دیکھو کون سی ہے؟ اس نے کہا آیت نمبر 33 ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عرصہ گزارا 33 سال، 33 سال کا عرصہ زمین پر گزارا، پھر آسمانوں پہ چلے گئے، یہ آیت نمبر 33. حضرت مریم کا ذکر آیا اس میں، تو میں نے اسے کہا کہ یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ اس نے کہا 18 سال. میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کی عمر 18 سال تھی، آیت نمبر وہی ہے. یہ سارے نکات ہیں قرآن حکیم میں، ذرا ڈوب کر پڑھو اسے. اس لیے تو قرآن نے چیلنج کیا، فاتو بصورت من مثلی، ایک صورت بنا کر پیش کرو، اس طرح اسرار و رموز سے بھرپور کوئی ایک صورت بنا کر پیش کرو. صرف الفاظ نہیں، ہر آیت کے اندر ایسی ایسی حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں. یہ مثال عرض کرتا ہوں، میرا عنوان یہ نہیں ہے ورنہ اس پر بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ سورۃ بقرہ ہے نا، سورۃ بقرہ میں کل آیات ہے 286، 286 ہے نا، 286 آیات ہیں، اور اس میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جعلناکم امتا وسطا وکذالک جعلناکم امتا وسطا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. توجہ ہے، قیمتی بات کر رہا ہوں، یہ دکانوں میں ملنے والی چیز نہیں ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا، بات تو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، ٹھیک ہے، لیکن کذالک اسی طرح، اس کا کیا مطلب؟ کذالک اسی طرح، اب اسی طرح سے کیا مراد؟
अब जब इस पर गौर करें आप कि अल्लाह फरमाती है कि इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्र बनाया, तो अब जब आप देखेंगे तो सूरत बकरा की 286 आयात है और ये आयत आप देखेंगे तो आयत नंबर 143 है, बिल्कुल सेंटर है, दरमियान है। फरमाया जिस तरह ये आयत सूरत बकरा के दरमियान में है, इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्र बनाया है। कदा जी का कभी गौर करके पढ़े कुरान पाक को, समझे तो समझ आए। तुम्हें अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इंसान की तखलीक को बयान फरमाया और फिर साथ ही फरमाया कि मैंने ऐसे नहीं छोड़ दिया तुम्हें बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इजा सअलक इबादी, अब देखें अल्लाह ताला को हमसे कितना प्यार है और हम कितनी दूर भागते हैं। हमने रब का दर भी छोड़ दिया, हमने रब का घर भी छोड़ दिया। रब के घर में आते हैं तो बार बार घड़ी को देखते हैं, इमाम साहब क्यों लेट हैं, दो मिनट ऊपर हो गए, तीन मिनट ऊपर हो गए, ताखीर हो रही है, तो जल्दी से पढ़ते हैं और भागते हैं, बाहर निकलते हैं जैसे किसी ने निकाला हो धक्के देकर। और रब ताला क्या फरमाती है, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, मेरे महबूब जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे। यहाँ पर एक लफ्ज समझे आप, चूँकि ख़त्म कुरान पाक की तकरीब है तो वो बात भी साथ हो जाए और जो मैंने स्टार्ट लिया था वो भी साथ। यहाँ पर लफ्ज़ फरमाया इज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें, जब ये लफ्ज़ याद रखें, जब पूछें। एक लफ्ज़ और भी आता है इस्तेमाल होता है, अगर मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल हो सकता था अगर। अब मिसाल के तौर पर मुझे दावत दी गई यहाँ पर आने की, हजरत ने कल दावत दी कि आना है, मैंने कहा ठीक है हाजिर देंगे। तो अब अगर कोई इनसे कहे कि जब गाइस सब आएंगे तब आप चाय पिलाएंगे, जुमला है ना, जब वो आएगा वो आएगा, और एक लफ्ज है अगर वो आएंगे। मेरे आने से पहले आप ये जुमला कहकर देखते वो नाराज हो जाते हैं आपसे। अगर क्या मतलब, अगर में शक है, अगर में शक है, शायद कि वो आ जाए शायद कि वो ना आए, अगर के अंदर शक है, अगर वो आ जाए, अगर यानी कि वो आए ये भी हो सकता है, वो ना आए ये भी हो सकता है, और जब के अंदर शक नहीं पाया जाता, जुमला समझें, जब के अंदर शक नहीं पाया जाता, जब वो आएगा हम चाय तैयार करेंगे, यानी उसने आना है पक्की बात है, और दूसरा अगर वो आएगा तो चाय बनाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे, वो शक वाली बात है। अल्लाह फरमाती है इज़ा सअलका, जब मेरे बंदे आपसे मेरे महबूब पूछे, क्या मतलब, रब फरमाती है मुझे अपने बंदों से उम्मीद है कि जरूर आएगा, नाफरमान है, गुनाहगार है, मुझे भूल चुका है, नाफरमानी कर रहा है, लेकिन मैं रब जानता हूं कि एक दिन जरूर आएगा, रब को यकीन है मेरा बंदा जरूर मेरे आगे झुकेगा, इसलिए अगर नहीं फरमाया जब फरमाया है। इज़ा सअलका इबादी, अच्छा तो पूछने तो फिर क्या कहूँगी, फरमाया उन्हें बता दीजिए कि इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ, बेशक मैं करीब हूँ, बहुत करीब हूँ, अल्लाह कितने करीब है, फरमाया इतना करीब कि तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता वहाँ तक, तुम्हारी धड़कनों के साथ हूँ, तुम्हारे हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। परवरदिगार आलम अगर अपने बंदों को भूल जाए तो वो सांस ले सकते हैं, फिर एक सांस भी ना आए, हर सांस बता रहा है कि रब मेरे साथ है। कभी उसने भूखा नहीं सुनाया हमें, कभी उसने प्यासा नहीं सुनाया हमें, कभी उसने ऐसे छोड़ नहीं दिया हमें, बल्कि कदम कदम पर हमारी रहनुमाई भी फरमाई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि परवरदिगार आलम फरमाती हैं कि हमें ये मिसालें न दिया करो, हमने तुम्हारे नक्शे पानी पर बनाए, तुम्हें वजूद अता किया, तुम्हें जीता जागता चलता फिरता खाता पीता सुनता देखता इंसान बनाकर दुनिया में भेजा, अब दुनिया में आकर हमें भूल गए, अब रब के बारे में पूछते फिरते हो, सवाल करते हो रब के बारे में कहाँ मिलेगा, अब मुझे नहीं पहचानते, और दुनिया में इंसान अगर अपने परवरदिगार को पहचान ले, तारुफ हासिल कर ले, मार्फत हासिल कर ले अपने रब की, वही इंसान कामयाब है जो अपने आप को पहचान ले, अपने रब को पहचान ले, मैं कौन हूँ,
कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मैंने कहां जाना है। बंदे को अपना तारुफ होना चाहिए और मुझे किसने भेजा है, क्यों भेजा है, भेजने वाला कौन है, उसका तारुफ भी होना चाहिए। ये दो तारुफ बंदे ने हासिल कर लिए, अपना तारुफ यानी अपने आप को पहचान लिया और अपने रब को पहचान लिया, वो इंसान कामयाब है, वही इंसान फिर अमली जिंदगी गुजारता है, वही इंसान फिर दुनिया की जिंदगी को हमेशा की जिंदगी नहीं समझता बल्कि इसे काम की जगह समझता है और फिर वो यहां पर काम करता है और आने वाली जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करता है। परवरदिगार आलम ने तो हमें नहीं भुलाया, हमने भुला दिया है। एक वाक्या है, आप सुनते रहते हैं अक्सर, कोई सुनाकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। फरमाती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे, बहुत ज़्यादा, और ये भी फरमाती है कि बग़ैर मेहमान के वो खाना नहीं खाया करते थे। खाने का वक्त होता ना तो वो निकल जाते, मेहमान तलाश करते, तो मुसाफिर मिल जाए, कोई मेहमान मिल जाए, उसे ले आते, आओ बाबा मिल के खाते। तो एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकल गए किसी मेहमान को ढूंढने के लिए, तो देखा एक मुसाफिर आ रहा है। मुसाफिर को आता देखा, बुजुर्ग था, बड़ी उम्र का था, उसने फरमाया बाबा मुसाफिर हो? उसने कहा जी। उसने कहा खाना खाओगे? उसने कहा जी, मिल जाएगा तो खाऊंगा। उसने कहा आओ मेरे साथ, मैं खाना खिलाऊंगा। ले आए, दस्तरखान पे बिठाया और जब बैठ गए दस्तरखान पर तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, हाँ बाबा अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो। वो कह रहे थे अल्लाह का नाम, मैं तो आतिश परस्त हूँ, मैं तो आग के शोलों की पूजा करने वाला हूँ, मेरे माबूद तो आग है, मैं तो अपने माबूद का नाम लेकर शुरू करूँगा, मैं तुम्हारे रब का नाम क्यों लूँ। आगे भी तो खलील थे, मुवहिद आज़म, इसी तौहीद की खातिर तो आग में जाना पड़ा था, इसी तौहीद की खातिर तो वतन छोड़ना पड़ा था, इसी तौहीद के लिए तो सब कुछ कुर्बान करना पड़ा था, तो आज वो कैसे मुशरिक को बर्दाश्त करते हैं अपने दस्तरखान पर। फरमाया अल्लाह का नाम लेकर खाना है तो खाओ, वरना चलो छुट्टी करो, भाग जाओ, मेरे दस्तरखान पर मुशरिक नहीं खा सकता। उठा दिया, वो बाबा जी खड़ा हो गया, 80-90 साल बुजुर्ग था, खड़ा हो गया, खामोशी से सर झुका कर चल दिया। वो चला बाहर की तरफ, जिब्रील अमीन आ गए खलील के पास, सलाम किया, इब्राहिम रब ने भेजा है, परवरदिगार आलम सलाम कहते हैं और फरमा रहे हैं कि ऐ इब्राहिम जानते हो वो बूढ़ा कौन है, 80-90 साल बूढ़ा, उसने सारी ज़िंदगी मेरी मुखालफत की है, सारी ज़िंदगी मेरे साथ शरीक ठहराता रहा, मुशरिक बना रहा, उसने सारी ज़िंदगी कभी मेरे आगे सर नहीं झुकाया, उसने कभी भूल कर भी मेरा नाम नहीं लिया, वो मुशरिक है, मुवहिद नहीं, वो गैर है, अपना नहीं, वो दुश्मन बना हुआ है, वो काफिर है, उनके है, इनकार करने वाला है, लेकिन इब्राहिम जो भी है वो मुझे नहीं पहचानता, मैं तो जानता हूँ बंदा मेरा है। ए इब्राहिम याद रखो कि 80-90 साल तक जब एक बार भी उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आया, लेकिन मैंने एक दिन भी उसे भूखा नहीं सुलाया, मैं सुबह भी खिलाता रहा, शाम भी खिलाता रहा। ए इब्राहिम तुम एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सके, अब मेरी रजा इसी में है कि जाओ वापस लेकर आओ, उसे खाना खिलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाती हैं, दौड़ती हैं, तलाश करती हैं, मिल गए, आओ बाबा जी खाना खाओ। मुझे कहा मैं उठा दिया था, फरमाया हाँ उठाया था, लेकिन मेरे रब की रजा यही है। आ गया दस्तरखान पे बिठाया, वो कहने लगा इब्राहिम जिस रब ने हुक्म दिया है और उसकी रजा इसी की है, जरा उसका तारुफ तो कराओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारुफ कराया, अल्लाह के नबी ही करा सकते हैं, कौन करा सकते हैं, हमारे घंटों की तकरीरें और उनका एक जुमला काम कर जाता है। समझा दिया, जब तारुफ कराया और तारुफ कराने के बाद कहा कि बाबा अब शुरू करो, खाना खाओ। उसे कहा इब्राहिम तारुफ आपने करा दिया, लेकिन मेरी बदनसीबी है कि ऐसे परवरदिगार को मैं अब तक भुलाए रखा मैंने, लिहाजा अब खाना बाद में खाएंगे, पहले मेरा ताल्लुक उसके साथ जोड़ दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो,
پہلے میرا تعلق جوڑ لو اس رب کے ساتھ جو اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی مجھ پر مہربان رہا، مجھے بھلایا نہیں۔ جب تعلق جڑے گا تو پھر کھانا کھائیں گے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں نہیں بھلایا، نہ دن کو بھلایا، نہ رات کو بھلایا، نہ جوانی میں بھلایا، نہ بڑھاپے میں بھلایا، ہم بھول چکے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم سے ہم اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اسی میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اپنے آپ کو پہچان لیں کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، کیا جانا ہے۔ جب یہ ہم یہ دو چیزیں پہچان لیں گے، اپنے آپ کو اور اپنے رب کو، تو پھر انشاءاللہ زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بن جائے گا اور آخرت کے